स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। ये गाड़ी है मारुति सुजुकी ईगो और आज की वीडियो में हम इसके टैप इट एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं या रॉकर आर्म कैसे एडजस्ट किए जाते हैं ये आज की वीडियो में बताएंगे। ये इसकी टाइमिंग साइड है और ये इसकी पॉकेट है। इस पॉकेट पे आप सब देखोगे दो मार्किंग दी जाती है। ये जो ये वाली मार्किंग है, पहले आपको फर्स्ट नंबर टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट करनी है, उसके बाद अब जब देखोगे फर्स्ट नंबर और फोन नंबर दो बार में इसके टैप एडजस्ट किए जाएंगे। जब ये फर्स्ट नंबर के जो आप सब देखोगे जब वाल्व फ्री होंगे इस तरीके से, ये देखो जब फर्स्ट नंबर के वाल्व फ्री होंगे तो तब आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पिस्टन के सिलेंडर के इनलेट वाल्व एडजस्ट करने हैं। और जब फर्स्ट पे ही आपको जब फर्स्ट नंबर सिलेंडर के इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व एडजस्ट करने हैं, फर्स्ट नंबर एग्जॉस्ट और थर्ड नंबर एग्जॉस्ट के। जब ये एडजस्ट हो जाए तब इस पॉइंट को दोबारा रोटेट करना है मार्किंग को और नीचे की इस लाइन पे लाना है। तब आप सब देखोगे जो फोर नंबर पे जब पिस्टन आ जाएगा, फोर नंबर की जो मार्किंग है पहले एक पहले जो है फर्स्ट नंबर से मिलाई जाएगी, उसके बाद फोर नंबर के आप सब देखोगे वॉल्व फ्री होंगे, फोर नंबर के एग्जॉस्ट वॉल्व और सेकेंड नंबर का एग्जॉस्ट वॉल्व पिस्टन का और फोर नंबर का इनलेट वॉल्व और थर्ड नंबर का इनलेट वॉल्व। इस तरीके की ये फिलर गेज होती है जिसकी मदद से हम इसके टैपिट एडजस्ट करते हैं। वॉल क्लीनर्स जिसके टैपिट है ये इसे एडजस्ट करेंगे कम्प्लीटली। और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी ईको, चार सिलेंडर की गाड़ी है तो पर सिलेंडर में चार वॉल्व दिए जाते हैं। इस तरीके की आपको फिलर गेज यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले टाइमिंग पोजीशन पे लाना है। ये भी एक्यूरेट इसकी टाइमिंग है कंप्लीट, ऊपर साइड और नीचे साइड। जब आप इसे पिस्टन को टॉप पे करोगे तब आप सब देखोगे, ये देखो कि जो वॉल्व है ये फर्स्ट नंबर का फ्री होना चाहिए पहले, तो फर्स्ट पहले के चारों, सेकंड के दो इनलेट के और एक थर्ड का एग्जॉस्ट के, दो इसमें फिलर गेज आपको यूज़ करनी है। ये देखो जैसे कि भी आप सब देखोगे और उसके ये अभी इसके ये इनलेट के आप सब देखोगे ये ठीक है, ये इनलेट वॉल्व है फर्स्ट नंबर के, ये सेकंड नंबर के, उसके बाद सेकंड वाली गेज से इसके एग्जॉस्ट वेल चेक किए जाएंगे, ये आप सब देखोगे ठीक है। थोड़ा भारीपन में रहना चाहिए, बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट। ये देखो इस तरीके से पहले एग्जॉस्ट के ये दोनों, पहले सिलेंडर के और एग्जॉस्ट के थर्ड नंबर सिलेंडर के, ये आप सब देखोगे सेकंड नंबर गेज से ये फ्री इतना होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़, तो गेज है वो टाइट पन में रहेगी। इनलेट के पहले सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर के और एग्जॉस्ट के फर्स्ट सिलेंडर और थर्ड सिलेंडर, ये आप सब देखोगे ये कंप्लीट टैपिट सेट कर दिए गए, दो दो चार दो छः दो आठ। इस कट को इस जगह ले जाना है, इस नीचे कट के सीध में इस पिस्टन को दोबारा टॉप पे लाना है। जब आप सब देखोगे ये जो पहले वाले पिस्टन के थे ये दोनों टैपिट टाइट हो जाएंगे, रॉकर बिल्कुल टाइट हो जाएंगे।
तब जाके अब दूसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है, सेकंड नंबर के एग्जॉस्ट, ये देखो ये फ्री हो गया। फोर्थ नंबर के एग्जॉस्ट, ये फ्री है। और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की इनलेट वॉल्व, इसमें दोनों फिलर गेज है, ये देखो। ये इतना फ्री होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं